होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि इन टॉप 10 बॉलीवुड हीरोइनों की कमाई कितनी है। आज बॉलीवुड की फिल्में अरबों रुपए में व्यापार करती हैं और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग देश के सबसे रईस लोगों में आते हैं। कुछ समय पहले तक कमाई के मामले में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पुरुषों का ही दबदबा था, लेकिन समय बदलने के साथ साथ फीमेल एक्ट्रेस भी कमाई के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं, जिनकी फीस करोड़ों रुपए में होती है। आइए जानते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 10 ऐसी हीरोइनें जो कमाती हैं सबसे ज़्यादा रुपए, जिसमें 10वें नंबर पे हैं श्रद्धा कपूर। इनकी प्रति फिल्म कमाई है लगभग 3 करोड़ रुपए। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे नई हीरोइनों में शामिल श्रद्धा कपूर युवाओं में ज़बरदस्त लोकप्रिय हैं और इनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। यह अपनी प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। 9वें नंबर पर हैं सोनाक्षी सिन्हा। प्रति फिल्म कमाई लगभग 4 करोड़ रुपए। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइनों में शुमार है, जिसने अनेक सुपर डुपर हिट फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। यह अपनी फिल्मों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। 8वें नंबर पर हैं आलिया भट्ट। प्रति फिल्म कमाई लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे युवा चेहरों में से एक आलिया भट्ट ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़े से बड़े फिल्मी पंडितों को भी चौंका दिया है। आजकल यह एडवर्टाइजिंग से लेकर फिल्मों तक में पूरी तरह से बिजी हैं और इनकी फिल्म इंडस्ट्री तथा युवाओं में बढ़ती डिमांड को लेकर फिल्म निर्माता इन्हें 4 से 5 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं। 7वें नंबर पे हैं अनुष्का शर्मा। प्रति फिल्म कमाई लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए। अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में अलग मुकाम बना चुकी अनुष्का शर्मा वर्तमान में लगभग हर फिल्म निर्माता की पसंद है, जिसे वह अपनी फिल्म में साइन करने के लिए 4 से 6 करोड़ रुपए तक को देने को तैयार रहते हैं। 6वें नंबर पर हैं कैटरीना कैफ। प्रति फिल्म कमाई लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए। बला की खूबसूरत कैटरीना कैफ ने फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और लगभग हर बड़े हीरो के साथ काम भी किया है। कैटरीना कैफ को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए फिल्म निर्माता 5 से 6 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार रहते हैं। 5वें नंबर पर हैं विद्या बालन। प्रति फिल्म कमाई लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए। बॉलीवुड में विद्या बालन एक ऐसी अभिनेत्री है जो अपने दम पर फिल्म खींचने की ताकत रखती हैं। बेहतरीन एक्टिंग वाली विद्या बालन अपने प्रत्येक फिल्म के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। 4वें नंबर पर हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रति फिल्म कमाई लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में से एक हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यह कमाई के मामले में थोड़ा पिछड़ गई हैं, लेकिन अभी भी यह कमाई के मामलों में टॉप हीरोइनों में शुमार है। यह अपनी हर फिल्म के लिए 8 से 9 करोड़ रुपए लेती हैं। वर्तमान में प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से ज़्यादा हॉलीवुड में व्यस्त हैं। 3रे नंबर पर हैं करीना कपूर। प्रति फिल्म कमाई लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए। करीना कपूर यानी बेबो हर फिल्म के लिए 9 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। कुछ समय पहले तक यह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, जिनके खाते में अनेक हिट फिल्में शुमार हैं। दूसरे नंबर पर हैं कंगना रनौत। प्रति फिल्म कमाई लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में टॉप की हीरोइनों में शुमार कंगना रनौत कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। यह एक फिल्म के लिए 10 से 11 करोड़ रुपए लेती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले नंबर पर कौन सी हीरोइन है जो अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा रुपए चार्ज करती हैं। पहले नंबर पर हैं दीपिका पादुकोण। प्रति फिल्म कमाई लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए। हमारी इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण नंबर 1 पर हैं, जिसे बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइन माना जाता है। दीपिका पादुकोण अपनी हर फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ तक के रुपए चार्ज करती है। अभी हाल ही के दिनों में दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड में भी एंट्री करी है, जिसके कारण इनकी कमाई और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये थी टॉप 10 बॉलीवुड हीरोइनें जो एक फिल्म के लिए चार्ज करती है करोड़ों रुपए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारे YouTube चैनल ट्रेजर टीवी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले।